इंदौर में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ महिला कांग्रेस को बिना अनुमति प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। बिना अनुमति प्रदर्शन और अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सराफा थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा महिलाओं को शूभलेखा कहने वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के विरोध में महिला कांग्रेस ने दो दिन पहले राजवाड़ा पर बिना अनुमति के कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया था। साथ ही महिला कांग्रेस द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिससे नाराज भाजपा कार्यकर्ता दिनेश पांडे सराफा थाने पहुंचे और महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला व अन्य कांग्रेस नेत्रियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के खिलाफ राजवाड़े चौराहे पर बगैर अनुमति राजवाड़े पर पुतला दहन का कार्यक्रम करा गया। पुतला दहन में अभद्र टिप्पणी की गई उनके खिलाफ और टिप्पणी के साथ में उन्हें टिप्पणी में गालियां बखी। साथ में ये भी बोला गया कि इन्हें पुतला ही जलाया जा रहा है, इनको जिंदा भी जला सकते हैं हम, इस प्रकार की टिप्पणी की। इसके विरोध में हम आज सराफा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। हमारा आवेदन दे करके हम हमारी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। अभी 188 और 294 506 भी इनमें इनको करना चाहिए, क्योंकि इस में हमारा आवेदन जो हमारा जिस प्रकार से हमने दिया और जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का प्रयोग करा गया है, उस भाषा के प्रयोग में नामजद रिपोर्ट हमने नाम दिया है, उसमें रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें इस प्रकार साक्षी शुक्ला डागा उनके और उनके साथी महिलाओं के। मेरा नाम दिनेश पांडे है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। भाजपा कार्यकर्ता दिनेश पांडे द्वारा ये एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें परसों 8 तारीख को राजवाड़े पर साक्षी शुक्ला डागा द्वारा माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का जो पुतला दहन किया था, उस संबंध में उन्होंने FIR दर्ज हेतु आवेदन पत्र दिया है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। की जा रही मांग ये की गई कि उनकी साक्षी डाका द्वारा बिना अनुमति के प्रदर्शन कर और कैलाश विजयवर्गीय जी का पुतला दहन किया है, इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से अजहर शेख की रिपोर्ट।